नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि एमपी में चुनाव के बाद यह माना जा रहा था कि उन्होंने, जैसा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बताया था, कि बनते ही व्यापम को वह बंद कर दी गई और उनके जगह नया संस्था बनाएगी। इन सारी दुविधाओं के बीच जो हमारी एमपी वर्ग एक और वर्ग दो की परीक्षा होने वाली थी, जो कि वर्ग एक के एग्ज़ाम 29 दिसंबर से और वर्ग टू के एग्ज़ाम 18 दिसंबर से शुरू होने वाले थे, काफ़ी दुविधा की स्थिति बन गई थी कि क्या यह मेरे हमारे एग्ज़ाम हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। इन सब दुविधाओं को दूर करते हुए पीएबी ने सारी दुविधाओं को दूर कर दिया है और उन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर अपने पहले से ही बना रखे हैं। और उन्होंने कहा है इसके भदौरिया ने कि एग्ज़ाम अपने तय समय पर होंगे और इन सब मामलों में जो एग्ज़ाम किसी भी शर्त में नहीं टल सकते, हाँ ये अलग बात है। आइए हम न्यूज़पेपर की कटिंग देखते हैं। यह न्यूज़पेपर की कटिंग आज की है, 13 तारीख की, जिसमें यह भास्कर संवाददाता ने यह लिखा है कि उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 29 से और 20 के बाद मिलेंगे एडमिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है और मात्र एक हफ्ते के बाद यानी 20 तारीख के बाद आपको एडमिट कार्ड वेबसाइट पर पीएबी की मिल जाएंगे, और जिससे यह जो एग्ज़ाम रद्द होने की संभावना पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। और कुछ ही दिन है, आप रिवाइज करते रहिए। और शिक्षक पात्रता परीक्षा पीएबी ने अपनी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन डालकर कहा कि परीक्षा कैंसिल होने की बातें अफवाह हैं, परीक्षा तय शेड्यूल से ही होंगी। हाँ बिल्कुल दोस्तों, अपने तय शेड्यूल से ही होंगी। अब आगे देखिए क्या लिखा है। उच्च माध्यमिक शिक्षक परिषद यानी वर्ग एक के लिए परीक्षा 29 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं, इसके लिए एडमिट कार्ड 20 दिसंबर के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। इस संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने पिछले दिनों एक प्रेस विज्ञप्ति अपने वेबसाइट पर जारी की थी कि परीक्षा निरस्त या आगे बढ़ाने के संबंध में जो बातें चल रही वो भ्रामक हैं, परीक्षा तय शेड्यूल से ही होगी। इसके बाद फिलहाल वेबसाइट का कोई अपडेट नहीं आया। हालांकि आवेदकों ने अब पीबी ऑफिस पे बात किया तो उन्होंने बताया कि परीक्षा 29 दिसंबर से शुरू होगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे ही 11 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट घोषित हुआ, पीएबी ने 12 को ही अपने ग्रुप क्लर्क स्टेनोग्राफर का रिजल्ट घोषित साइट पर डाल दिया है, आप लोग जाके चेक भी कर सकते हैं। और जो वर्ग एक के हैं इसमें एडमिट कार्ड 20 दिसंबर के बाद मिलने शुरू हो जाएंगे। गौरतलब है कि वर्ग दो के लिए करीब 4.5 लाख और वर्ग एक के लिए 2.25 लाख आवेदन आए हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, वर्ग एक में फाइट बिल्कुल कम है, 2.25 लाख ही आवेदन आए हैं। वर्ग दो में जहाँ 11,374 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, वहीं वर्ग एक के लिए 1920 पदों पे विज्ञापन जारी हुआ था। अब देखिए इसकी गणित क्या है, कितने लड़के सेलेक्ट होंगे, उन्होंने एक आंकड़ा अपना मोटा मोटी दे दिया है। आवेदन और पदों का ऐसा है गणित, उच्च माध्यमिक वर्ग में 19,220 पदों पर भर्ती होगी, इसके लिए पीबी को 2.25 लाख आवेदन मिले हैं, यानी प्रत्येक पद के ये 10 से ज़्यादा उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। उधर माध्यमिक वर्ग 11,374 पद के लिए भर्तियों की, इसके लिए 4.5 लाख आवेदन है, प्रत्येक पद के लिए 39 से 40 आवेदन होंगे। 30,594 पदों के लिए आयोजित हो रही है परीक्षा। हाँ बिल्कुल दोस्तों, 29 दिसंबर को आपको एग्ज़ाम होंगे, आप लोग बिना किसी संकोच के एग्ज़ाम में लगिए, 20 के बाद एडमिट कार्ड मिलने शुरू हो जाएंगे। और हाँ, TGT PGT वर्ग एक वर्ग दो के और भी जानकारी न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस न्यूज़ को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जो दुविधा की स्थिति में हो इस न्यूज़ को मिल जाए, ठीक। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओके।